नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट लाता रहता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, काफ़ी अच्छा कोटेशन कहा गया है, इफ़ यू डोंट फॉलो द स्टॉक मार्केट यू आर मिसिंग सम अमेजिंग ड्रामा। इसका मतलब ये है कि जो मार्केट डेली कभी ऊपर जाता है, कभी सडन नीचे गिर जाता है, कभी हाफ डे ऊपर रहता है, हाफ डे डाउन हो जाता है, या फिर मतलब ऐसे डेली अमेजिंग ड्रामाज आपको देखने को मिलते हैं बहुत से स्टॉक को। अगर आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करते हो तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये उसी की बात है। तो ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए और आपको देखते रहना चाहिए स्टॉक मार्केट किस बेस पे ऊपर नीचे जर फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि वहीं से आपको सीखने का मौका मिलता है। तो चलिए आज के अपने स्टॉक से रिलेटेड बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे BSE के बेस्ट मल्टी बैगर स्टॉक से, जो कि BSE पे आपको मिलेंगे। NSE पे वो लिस्टेड नहीं है, लेकिन अगर उनके रिटर्न की बात करेंगे तो वो आपको सालाना अगर बात करते हो तो 300-400% तक का रिटर्न देते हैं। बिजनेस प्लान काफ़ी अमेजिंग है उनका, तो उनके फंडामेंटल्स देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे कि कहाँ तक नेक्स्ट ईयर वो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा जो कंपनी है ब्लैक रोज, आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं इसके बारे में डिटेल आपको बता दे रहा। 125 पे आज ये चल रहा था, लगभग 4% ऊपर था। 52 वीक हाई की बात करें तो 163 रुपये है, यानी कि बहुत ज़्यादा गैपिंग नहीं है स्टॉक मार्केट के करंट प्राइस से और 52 वीक हाई से। 52 वीक लो की बात करते हैं तो 60 रुपये 50 पैसे, वहाँ से काफ़ी गैपिंग आ चुका है। मार्केट कैप 637.50 करोड़ का मार्केट कैप है। पी 35.19 का मिल रहा है, नॉट बैड। अगर PB की बात करें तो 9.39 का है। ROE 26.69 का है। इंडस्ट्री की बात करें तो इस फैसिलिटी केमिकल का है, तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आपको पता होगा केमिकल बिजनेस में कहीं ना कहीं ग्रोथ बढ़ती जा रही है, जिस हिसाब से ऐसे वायरस वगैरह आते जा रहे हैं, तो इन फ्यूचर इनका बिज़नेस तो चलता ही जाएगा और बहुत ही लॉन्ग टर्म से ये बिज़नेस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि न्यू कंपनी है या फिर न्यू इंट्रोड्यूस हुआ है। तो चलिए और डिटेल देख लेते हैं इनके बारे में। अगर PE की बात करें तो PE तो हमने देख लिया है, फेस वैल्यू 1 रुपये का है। कैश की बात करें तो कंपनी के पास 5.18 करोड़ रुपये कैश है, जबकि डेप्ट की बात करें तो 22.23 करोड़ का डेप्ट है। डेप्ट कैश की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है ये कह सकते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, यानी फुल ऑन फुल प्रमोटर्स होल्डिंग है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो 18.17% का, वही तो मैंने कहा कि इनका सेल हमेशा हाई रहता है, क्योंकि केमिकल बिजनेस का जितने भी आपको स्टॉक मिलेंगे, चाहे वो आरती इंडस्ट्री आप ले लीजिए जो कि काफ़ी नंबर वन पे चलता है केमिकल से रिलेटेड, तो केमिकल का बिजनेस ही ऐसा है जो हमेशा चलता रहता है, ये काफ़ी अच्छी बात है। रिटर्न ऑन अगर इक्विटी की बात करते हैं तो 35.56%, ये भी काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 7.91%, नॉट बैड, यानी कि फंडामेंटली भी काफ़ी अच्छा है, कुछ खास बुराई नहीं है फंडामेंटल की बात करें तो। तो अगर इनके रिटर्न की बेस देख लेते हैं तो आप देख सकते हैं 1 हफ्ते में 0.77%, यानी बहुत ज़्यादा भागा नहीं है। 1 महीने में -7.2%, यानी 1 महीने में 7% की करेक्शन, अच्छी बात है, आपको अच्छे करेक्शन में मिल जाएगा। अगर 2020 के स्टार्टिंग से बात किया जाए तो 31.51% की ग्रोथ, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट इतना गिरा हुआ था उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। 1 साल में 48.1% की ग्रोथ, ये भी अच्छा है। 3 सालों में 346.43% की ग्रोथ, वहीं 5 सालों में 354.55% की ग्रोथ, 10 सालों में 2477.72% की ग्रोथ, यानी कि लॉन्ग टर्म, यानी मैंने आपसे जैसा कहा कि बिजनेस नया नहीं है इन सभी का, लॉन्ग टर्म भी आप जाएंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 10 सालों का डेटा अगर पॉजिटिव है तो उससे बेटर क्या मिलेगा आपको। वहीं नेक्स्ट अगर चार्ट पे बात कर लेते हैं इनका टेक्निकल बेस क्या कहते हैं, तो टेक्निकल बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप देखेंगे 13 दिनों का EMA तोड़कर ये उसके ऊपर चल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। 125 का लेवल चल रहा है। तो इनके नेक्स्ट अगर बात किया जाए, नेक्स्ट 1-2 महीनों की बात, तो अगर 1 महीने की अगर बात आप करके चलते हैं तो 150 के ऊपर ये देखने को मिलेगा। अगर वहीं नेक्स्ट ईयर की बात करें तो ये 200 क्रॉस करके उसके ऊपर देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा शेयर है, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, तो कोई ख़राबी तो है नहीं शेयर में, तो आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप उतना ही पैसा लगाएं जिसमें अगर आप इस शेयर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख ना हो, क्योंकि दोस्तों ये स्मॉल कैप है, तो इसमें जिस हिसाब से ग्रोथ रहती है उस हिसाब से गिरावट भी काफ़ी तगड़ी होती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। हालांकि शेयर अच्छा है, शेयर में कोई ख़राबी नहीं है और उनके बिज़नेस प्लान में भी कोई ख़राबी नहीं है, काफ़ी अच्छा बिज़नेस है और काफ़ी नामी जामी बिज़नेस है।
वहीं नेक्स्ट अपने अगर स्टॉक की बात करें तो किलफिश इंडिया लिमिटेड। दोस्तों ये जितने भी शेयर की हम बात करें इन्हें मल्टीबैगर अगर कह दिया जाए तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनके रिटर्न इतने खास हैं और इतने ज़्यादा हैं कि मल्टीबैगर कहना ही इनके लिए सही होगा। तो अगले शेयर की बात कर लेते हैं किलफिश इंडिया लिमिटेड की, तो इसके डिटेल देख लेते हैं। तो 423.60 यानी 423.60 रुपये पे आज ये क्लोज हुआ है, 5% एबव था, और पिछले हफ्ते भर से ये 5% सर्किट पे ही चल रहा है अप पे, तो ये अच्छी बात है। 52 वीक हाई 517 का है, 52 वीक लो 54 का है। वहीं मार्केट कैप 318.04 करोड़ का है, पी इनका हमेशा हाई रहता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा ये शेयर हमेशा से ये सर्किट पे ही देखेगा, मैक्सिमम टाइम तो ये अपर सर्किट पे दिखेगा। अभी बीच में आपको थोड़ा बहुत लोअर सर्किट में देखा था, जब ये 500 का लेवल जब इसने क्रॉस किया था उसके बाद इसमें करेक्शन आया था, ये 300 तक गया था, उसके बाद से फिर इसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तेज़ी से मूव कर रहा है और फिर से ये 450 पहुँचने वाला है, यानी कि इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। PB 14.58 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 3.55 का है। अगर बिजनेस की बात करें तो एग्रो केमिकल यानी कि जो भी हमारे कृषि में यानी एग्रीकल्चर में यूज होते हैं केमिकल, ये उससे रिलेटेड बिजनेस है। तो आपको पता होगा कि कृषि का बिजनेस कभी ख़त्म नहीं होने वाला है, तो उससे रिलेटेड केमिकल का बिजनेस भी कभी नहीं ख़त्म होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, कैश 0.69 करोड़ रुपये है, डेप्ट 3.52 है, यानी डेप्ट थोड़ा सा है बट कोई बात नहीं चल जाएगा। प्रमोटर्स होल्डिंग्स 37.88%, ठीक है चल जाएगा, बहुत ज़्यादा कम नहीं है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 11.78%, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.36%। अभी जैसे इसमें थोड़ा करेक्शन आया था इसलिए थोड़े डेटा इनके गिरे हुए हैं। प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो 4.54%, अच्छी बात है प्रॉफिट में है। अगर उनके रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक हफ्ते में 18.13% ये भाग चुका है, एक महीने में लगभग 34.5%। वहीं अगर 2020 के स्टार्टिंग से अभी तक की बात किया जाए तो 350% की ग्रोथ अब देख सकते हैं, कमाल की ग्रोथ रही है। वहीं एक सालों में 408.52% की ग्रोथ, 3 सालों में 409.13% की ग्रोथ, 5 सालों में 4,222.45% की ग्रोथ, 10 सालों में 2599.81% की ग्रोथ। यानी इसे भी जितना भी आप लॉन्ग जाके देख सकते हैं उसमें आपको पॉजिटिव ही रिटर्न देखने को मिलेगी, नेगेटिव कहीं है ही नहीं। इसलिए कह रहा है कि ये वो शेयर है जो मल्टी बैगर ही है। वहीं नेक्स्ट अगर इनके चार्ट पे बात किया जाए तो शेयर मिलता है जब भी आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। आप इन शेयर को शॉर्ट टर्म के लिए प्ले करने के लिए मत लीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही लीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे ये, तो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। लेवल की बात किया जाए तो ये जल्दी आपको यानी कि विद इन 1-2 हफ्तों के अंदर ये 500 क्रॉस करके उसके ऊपर दिखेगा। अगर ईयर की बात करें नेक्स्ट ईयर की तो 650 के पार ये दिखेगा, ये शेयर काफ़ी अच्छा है। वहीं नेक्स्ट अपने शेयर की बात करें तो HLE ग्लासकोट, ये सेक्टर थोड़ा सा अभी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि GMM फॉर्डलर जिस हिसाब से उनका OFS आया उसके हिसाब से वो, क्योंकि दो ही तो इनके पास शेयर हैं पूरे सेक्टर में, 2 शेयर हैं, एक HLE ग्लासकोट हो गया, GMM फॉर्डलर हो गया। तो अगर वो शेयर गिरता है तो इफेक्ट इस पर भी आएगा। तो अभी ये काफ़ी अच्छी प्राइसिंग में मिल रहा है 1350 पे, तो अभी अगर ले लिए तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं, काफ़ी अच्छा शेयर है। 1890 का इनका हाई है जो कि 202 का, यानी आप कंपेयर कर सकते हैं लो से हाई का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मार्केट कैप 1749 का कर है। वहीं PE की बात करें तो 61.97 का है, PB 22.28 का है, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी 35.96 का है। और ये सारे शेयर स्मॉल कैप से बिलोंग करते हैं, कुछ माइक्रो में भी हैं तो आप देख सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपये का है, कैश 9.41 करोड़ रुपये है, जबकि डेप्ट 98.26 करोड़ है, यानी डेप्ट तो तीनों कंपनी पे है बट बहुत ज़्यादा नहीं है, 1,000 करोड़ 1,00,000 करोड़ नहीं है, बहुत मामूली सा सब पे डेप्ट है, तो इतना तो कंसिडर हो सकता है क्योंकि बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए डेप्ट से ही चलता है। सेल्स ग्रोथ 15.04%, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए काफ़ी अच्छा है, 71.08% का। प्रॉफिट ग्रोथ 9.85% का, ये भी अच्छी बात है। अगर उनके रिटर्न की बात करते हैं तो एक हफ्ते में थोड़ी करेक्शन देखने को मिली है 3.5% की, एक महीने में लगभग 25% कह सकते हैं कि 25% की करेक्शन है। वहीं 2020 के स्टार्टिंग से 189.32% का पॉजिटिव ग्रोथ, एक साल में 560% का ग्रोथ, 3 सालों में 689.15% का ग्रोथ, 5 सालों में 1253% का ग्रोथ,
10 सालों में 3156.32% का ग्रोथ, यानी इसका भी देख सकते हो लॉन्ग से लॉन्ग टर्म में जाकर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन शेयर को कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मैं दिखा दिया, पिछले 10 सालों तक का डिटेल दिखा दिया, तो आप देख सकते हैं कंटिन्यू मतलब ग्रोथ सेम टू सेम है, हर साल का कंटिन्यूअस है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अभी ये शेयर मिल रहा है तो अभी आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छे प्राइजिंग पे है, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने पे तो बहुत ज़्यादा आपको भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्राइजिंग पे। बट मे बी अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए लेना हो तो 1300 के आसपास अगर आप लेते हैं तो कोई बुरा नहीं है, अगर प्राइजिंग की बात करते हैं। अगर ऊपर अपसाइड में देखेंगे तो इनका जो ऑल टाइम हाई है 1890 का, वो रहेगा 1-2 महीने के अंदर का डिटेल शॉर्ट टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म चाहते हैं तो 2000 पार है। तो वहीं अगर नेक्स्ट GMM फॉडलर, आपको इस डिटेल का भी बता दे रहा हूँ क्योंकि सेम बिजनेस से बिलोंग करता है, और इसमें जैसे ही आपको OFS आया हुआ था उसके बाद से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, वो काफ़ी करेक्ट हुआ, ये शेयर करेक्ट होने के बाद भी भागा था, 4000 क्रॉस करके उसके ऊपर गया था, उसके बाद थोड़ी सी करेक्शन फिर से आई है। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, तो अगर ये 3500 के आसपास मिलता है तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म वाले भी 3500 के आसपास ले सकते हैं। ये फिर से 4000 तक जाएगा विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर ये फिर से आपको 4000 का क्रॉस करता हुआ दिखेगा, तो शॉर्ट टर्म वाले वहीं एग्जिट कर जाएं, लॉन्ग टर्म वाले इसे कंसिडर करके आगे तक भी ले जा सकते हैं। अगर स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो स्टॉप लॉस इस पे आप लगा सकते हैं 3500 का और 3480 का, 3500 का अगर टूटता है तो 3480 पे लगाकर आप इसे प्ले कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा शेयर है, काफ़ी अच्छी रिटर्निंग इनकी भी है। तो नेक्स्ट अपने कोटेशन की बात कर लेते हैं, लर्न एवरी डे, यानी हम हर दिन सीखिए, बट स्पेशली फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स इट्स चीपर, यानी कि शेयर मार्केट में अगर आप दूसरों की गलती से सीखते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा, लेकिन आप खुद गलती करके सीखते हैं तो यहाँ पे हर एक गलती के पैसे ही लगते हैं, यानी एक गलती आपने किया नहीं आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा तो वो ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसलिए हमेशा दूसरों की गलती से ही आप सीख लें तो ज़्यादा सस्ते में यानी काफ़ी फ़ायदा रहेगा आपका। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।